गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? हाँ जी सर, वालेकुम सलाम जी। हाँ जी, तो देखिए पेपर तो टफ था ऑब्वियसली। एमटीएस में जो एक्सपेक्टेड है, एमटीएस और आपका कांस्टेबल लेवल पे, उससे तो काफी हद तक टफ था। अभी आप एमटीएस 2023 का पेपर उठा के देख सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं लेवल ऑफ क्वेश्चंस। लेकिन फिर भी जीके की जहां तक हम बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आपके नोट से था। वन ऑफ द स्टूडेंट, या फिर वो शायद स्टूडेंट ही नहीं है, ऐसे रैंडम कोई आ गए, सैमुअल नाम के कोई है, उनका कहना ये है कि आपका पढ़ाया कुछ भी नहीं आया। तो आज विद प्रूफ, मतलब जो रिटन एविडेंस है, ठीक है, रिटन नोट्स अपना, वो मैं स्क्रीनशॉट पहले इसीलिए लगा दिया हूँ ताकि आपको दिखाऊंगा कि नोट से ही कितना क्वेश्चन आपका बन जाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ जितना कंटेंट आपको दिया जा रहा है पहले आप उस पर स्टिक रहिए, उसके बाद कुछ और पढ़िए, ठीक है ना? तो उसकी भी बात करेंगे। देखो कट ऑफ की बात हम करेंगे, कट ऑफ की बात लास्ट में करते हैं, ठीक है ना? तो एक बार पेपर को हम देख लेते हैं। अभी फिलहाल क्या है ना, एग्जैक्टली कट ऑफ प्रेडिक्ट करना तो ऑब्वियसली बात है पॉसिबल नहीं है, बट एक अराउंड अराउंड हम प्रेडिक्ट कर देते हैं, वो लगभग उसी की रेंज में कट ऑफ रहती है। इसीलिए इस बार ज्यादा एक्यूरेट तरीके से प्रेडिक्ट करने के लिए हमने एक आपको गूगल फॉर्म भेजा था, उम्मीद है आप लोगों ने फिल कर दिया होगा। नहीं फिल करा है तो फिल कर दीजिएगा, उसमें हम सारे स्टूडेंट्स का एक्सपेक्टेड मार्क्स पूछ रहे हैं। उसके अकॉर्डिंगली जब मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हमें बता देंगे मार्क्स, उसके अकॉर्डिंगली प्रेडिक्ट करना और आसान हो जाता है, ठीक है ना? तो ऑब्वियसली बात है पिछली बार से काफी टफ इस बार पेपर आया है, तो एक्सपेक्टेड नहीं था। और मैथ्स में तो कुछ अलग ही लेवल का खेल हो गया, आउट ऑफ सिलेबस चीजें आ गई जो कि नहीं आना चाहिए था। चलो ठीक है, तो वो मैथ्स वाले देखेंगे, अपन जीके की बात कर लेते हैं ना। तो पेपर उठाते हैं सर। हाँ जी, मैथ्स में तो खास तौर से काफी धोखा दिया। क्वेश्चन नंबर 101। इन 1972 द देन प्राइम मिनिस्टर डैश इनॉग्रेटेड अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, ये सेट सी है, ठीक है? अब देखो ये मत कहना कि सर सेट बी से डिस्कशन करा दो, क्योंकि क्वेश्चन तो सेम ही है ना सर, बस सीक्वेंस आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो। कोई नहीं, आज आप एक गाना गाना, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, है ना? तो ये आपको अब इनका इंतकाम किससे लेना है, एपीएसएसबी से लेना है। अगली बार ऐसी तैयारी करके जाना है कि एपीएसएसबी की भी होश उड़ जाएगी, भैया ये अपने ही बच्चे हैं। देखिए गुस्सा हो गुस्सा ना हो, ये क्लास है, क्लास में डेकोरम नहीं मेंटेन रहेगा तो उनको बैन कर दिया जाएगा। जैसे अभी दो स्टूडेंट को ऑलरेडी मैंने अभी बैन कर दिया। आपको गुस्सा है, गुस्सा बिल्कुल निकालो, ठीक है? आप लेटर लिखो एपीएसएसबी को, ठीक है? आपको जो करना है वो करो, लेकिन विद इन द डेकोरम, क्योंकि अगर डेकोरम मेंटेन नहीं कर रहे हो तो आप तो वैसी नौकरी लायक नहीं हो, ठीक है ना? कट ऑफ लास्ट में बात करेंगे अभी उसके बारे में। अभी नहीं, अभी अभी ऐसा भी नहीं कि यूपीएससी लेवल तक का था, इतना भी नहीं जाओ सर। यूपीएससी का पेपर आप शायद देखे नहीं हो, वो अलग ही खेल होता है ना। चलो, इन 1972 द देन प्राइम मिनिस्टर, देखो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या आंसर लगाया आप लोगों ने। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 का क्या आंसर लगा के आए? तो देखो ये क्वेश्चन अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही, ठीक है, जो खास तौर से जो कह रहे हैं आपके पढ़ाई से कुछ भी नहीं आया, जारगुम कामचा, तो जो भी लोग देखो कमेंट कर रहे हैं सोच समझ के कमेंट करें, कहाँ बैठ के कमेंट कर रहे हैं, किस प्लेटफॉर्म पे कमेंट कर रहे हैं, इसका ध्यान रखें, है ना? तो अपनी भाषा का मर्यादा बनाए रखें, नहीं तो धनाधन ब्लॉक होते जाएंगे, क्योंकि ये हम पहली बार, पहले भी कई बार कंफर्म कर चुके हैं इस चीज को। हाँ, तो ये देखो
ये सर आपको अभी हाल फिलहाल में आपको एक अरुणाचल जी के पढ़ाया था, अरुणाचल जी के पीवाईक्यू करवाए थे, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 52 करा था। वहां देखो बताया था सर, 20 जनवरी 1972 इंदिरा गांधी द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, इनॉग्रेटेड अरुणाचल एज यूनियन टेरिटरी, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इंदिरा गांधी होगा। हाँ देखो लास्ट गवर्नर वाला क्वेश्चन आया, मुझे उम्मीद है जितने भी क्लास करे थे मुस्कुराए जरूर होंगे वो क्वेश्चन देख के, पेपर में गया सर फंस गया, क्योंकि वो क्वेश्चन ऐसा था मेजोरिटी ने गलत करा था क्लास में, और मैंने यही कहा था चलो यहाँ हो जाए एग्जाम में सही होना चाहिए, ठीक है ना, मैंने कहा था एग्जाम में अगर आ जाता डायरेक्ट तो आप खुद दिल पे हाथ रख के बताना कितने लोग सही आंसर उसका कर पाते। हु अमंग द विच अमंग द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक, देखो ये तो आपको जो अरुणाचल जीके के मैंने नोट्स दिए हैं उसमें भी सारी माउंटेन पीक्स लिखी हैं, साथ ही साथ अभी हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है आपके प्रीवियस ईयर में, ठीक है, तो उसमें कांगते हाईएस्ट है, इसके बारे में हम लोगों ने काफी चर्चा की थी, तो करेक्ट आंसर इज कांगते। फॉर्मर सीएम ऑफ अरुणाचल हैज ऑल्सो सर्व्ड एज अ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी, ये थोड़ा सा नया आ गया, हाँ ये थोड़ा सा नया आ गया था, तो इसके एक्चुअली जो करेक्ट आंसर है वो है मुकुट मिथि, ठीक है, करेक्ट आंसर इज मुकुट मिथि, तो ये आपका मुकुट मिथि है, ये आपका अरुणाचल के सीएमपी रह चुके हैं 1999 से 2003 तक ये सीएमपी थे, उसके बाद सर ये पौंडीचेरी, अब जो पुडुचेरी हो गया ना पहले पौंडीचेरी था उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रह चुके हैं 2006 जुलाई से अक्टूबर, ठीक है, तो इस हिसाब से जो करेक्ट आंसर होगा वो दैट इज मुकुट मिथि। अब देखो इको ऑफ अरुणाचल, इसको देख के भी खुशी हुई होगी, हालांकि वैसे कई स्टूडेंट ने जब डिस्कस कर रहे थे तभी इसका आंसर सही बताया था, हाँ मुकुट मिथि का तो उम्मीद नहीं था, ये थोड़ा सा अलग आ गया, लेकिन इको ऑफ अरुणाचल ये सर हम लोग डिस्कस किए थे क्वेश्चन नंबर 104 याद करो, जो भी हम लोगों ने अरुणाचल जीके का पीवाईक्यू लगाया उसे बहुत फायदा हुआ है, ठीक है, इसीलिए लगाया था, मैंने कहा था बहुत से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इको ऑफ अरुणाचल ये हम लोगों ने डिस्कस किया था सर, फर्स्ट न्यूज़पेपर कब बना था 1988 में, ठीक है ना 1988, ये क्वेश्चन भी देखो आपका फंस गया। द फेमस सॉन्ग ऑफ भूपेन हजारिका हमारा अरुणाचल, देखो भूपेन हजारिका की मूवी की बात हम लोग करके आए थे मेरा धर्म मेरी माँ, उनकी जो फर्स्ट हिंदी मूवी थी अरुणाचल की मेरा धर्म मेरी माँ, इसके डायरेक्टर थे भूपेन हजारिका जिनके नाम पे ढोला सादिया ब्रिज भी रखा गया, ठीक है ना, तो भूपेन हजारिका अगर आपको याद था कि भूपेन हजारिका की मूवी मेरा धर्म मेरी माँ है तो आप उससे रिलेट करके भी आंसर टिक कर सकते थे, ठीक है ना, तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेरा धर्म मेरी माँ। हाईएस्ट पीक इन पेनिनसुलर प्लेच्यू, ये जहां तक मुझे याद आ रहा है हमने टेस्ट सीरीज में सर ये क्वेश्चन डाल रखा है, पेनिनसुलर प्लेच्यू की हाईएस्ट पीक तो दैट इज अनायमुदी, केरला में है, ठीक है ना, तो पेनिनसुला की जो हाईएस्ट है वो अनायमुदी है, सेकेंड है डोडाबेट्टा, कि अनायमुदी इज इन केरला डोडाबेट्टा इज इन तमिलनाडु, तो ये क्वेश्चन भी हम लोग ऑलरेडी करके आ चुके थे। वेयर डज सतलज रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम, क्वेश्चन नंबर 107 क्या लगा के है सर, क्वेश्चन नंबर 107 का क्या आंसर लगाया है, हाँ जी देखो ये क्वेश्चन नंबर 107 जो नोट्स आपको दिए गए हैं ना उसमें देखोगे तो हमने देखा था सतलज कहाँ से निकलती है, राकस्ताल, इंडस, बोकारचू, ग्रिल ग्लेशियर, ठीक है ये सब बताया हुआ, सतलज कहाँ से निकल रही है, राकस्ताल से निकल रही है, सी पे करके आया ना, बिल्कुल सही बात है, सतलज कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है सर, राक्षसताल कह देते हैं, राक्षसताल भी कह देते हैं, ठीक है, रोहतांग लगाया है आप, ओहो चलो कोई बात नहीं, लैकेडिव, मिनी कोय एंड अमिंडीव, अच्छा अभी तक जो देखोगे, अच्छा अरुणाचल जीके से इन टोटल कितने क्वेश्चन आए आपका, अरुणाचल जीके से अगर आप देखोगे 10 क्वेश्चन आए हैं,
और करंट अफेयर्स में 13 क्वेश्चन आए, जिसमें से कम 10 क्वेश्चन तो आपके डायरेक्ट करंट अफेयर्स के नोट से उठ के आए हैं, 10 क्वेश्चन कम से कम 13 में से, ठीक है। तो अरुणाचल जीके के 10 क्वेश्चन आए हैं, करंट अफेयर्स में आपका इस एग्जाम में 13 क्वेश्चन आए हैं, तो 23 आउट ऑफ 50, ये आप समझ रहे हो हैवी वेटेज अरुणाचल जीके और करंट अफेयर से आ रहा है। मैंने पहले भी बताया था कि इस साल हर एक एग्जाम में 8 से 10 क्वेश्चन अरुणाचल जीके के पूछे गए हैं, ठीक है, 8 से 10 क्वेश्चन अरुणाचल जीके के पूछे गए हैं। इस बार भी एग्जैक्टली 10 सवाल उठ के आ गए, तो शुरू के 5 तो अरुणाचल जीके के थे, आगे भी मिलेंगे। 107 ज्योग्राफी का था, 108 ये भी ज्योग्राफी का है, ये जो थे पहले लैकेटिव, मिनी कोय, अमेंडिवी, इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया, इट वॉज इन 1973। क्वेश्चन नंबर 109 करेंट अफेयर्स का है, लेकिन हाँ इस तरह के क्वेश्चंस मैं नहीं कराता हूँ, टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊं, क्योंकि ये मैं मानता नहीं हूँ ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन हाँ इस बार पूछ लिया गया, तो आइंदा से हम ध्यान रखेंगे इस तरह के क्वेश्चंस भी करते हुए चलें। ये क्या है जो रेपो रेट पूछ लिया, बिल्कुल करंट का रेपो रेट पूछ लिया, क्योंकि आपका जो मीटिंग्स होती हैं क्वार्टरली, जैसे अप्रैल मई जून, अप्रैल टू जून का आपका डिसाइड होता है रेपो रेट, फिर जुलाई से सितंबर, फिर अक्टूबर में डिसाइड होता है, अक्टूबर से दिसंबर के लिए, तो अक्टूबर से दिसंबर वाले क्वार्टर के लिए जो आपका रेपो रेट डिसाइड हुआ था वो इस बार था 6.5%, ठीक है ना, है तो करंट अफेयर्स का, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस अभी तक नहीं देखे गए थे, ये पहली बार इस तरह का क्वेश्चन देख रहा है। चलो, हु विच वाज द फर्स्ट प्रोडक्ट दैट गॉट अ जीआई टैग, ये सर देखो जीआई से रिलेटेड मैंने आपको काफी पढ़ाया है, ठीक है ना, हाँ 6.5 बिल्कुल सही लगाया। तो जीआई टैग सर जो पहला जीआई मिला था ना वो दार्जिलिंग टी को मिला था, पहले मैं सारे स्टेट्स के अलग से जीआई टैग की पीडीएफ देता था, लेकिन काफी टाइम से जीआई टैग पे क्वेश्चन नहीं मिल रहा था, तो इसलिए वो पीडीएफ बंद कर दी थी, ठीक है ना, अब लग रहा है उसको फिर से चालू करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 111, ये तो सर पॉलिटी में पढ़ाया ही होगा सर, ये तो पढ़ाया है सर आपको, याद करो आर्टिकल 21 पढ़ाते हैं, उसके बाद 20, 22 मैंने पढ़ाए हैं, 20, 21, 22 ये सब प्रोटेक्शन से रिलेटेड राइट है, आर्टिकल 21 को प्रोटेक्ट करने के लिए 20 आया और 22, तो आर्टिकल 22 देखोगे तो वो प्रोटेक्शन किसके अगेंस्ट देता है, अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन ऑफेंसेस, तो आर्टिकल 22 के हिसाब से अगर आप चलोगे तो अगर आपको किसी ने पुलिस ने अरेस्ट किया है तो विद इन 24 आवर्स ऑफ इज अरेस्ट उसको नियर द मजिस्ट्रेट पेश करना पड़ेगा, इसमें जो ट्रेवलिंग टाइम है वो एक्सक्लूड होता है, ठीक है, तो 111 का करेक्ट आंसर इज ए। 111 कितने लोग सही करके आए हैं, हाँ जी 111 वाला ये सर एक्सपेक्टेड था आप सही करके आओ, 111 वाला कितने लोग सही करके आए हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है 111 सर एक्सपेक्टेड था, ये तो मतलब पॉलिटी में सीधा सीधा पढ़ाया ही जाता है आपको, ठीक है, तो ये देखो ये हमारे सिलेक्टेड वॉरियर्स हैं जो अभी सीएचएसएल में क्वालिफाई हुए थे, तो देखो आप ही लोगों में से सीएसएल भी क्वालिफाई करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि क्वालिफाई कोई भी नहीं करेगा, करेंगे आप ही लोगों में से करेंगे, पेपर टफ था तो सर टफ सभी के लिए टफ था, तो थोड़ा सा पेशेंस रखें बस। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रेस्ट्रिक्टेड द स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नॉट टू एक्सीड 15%, ये था सर 91st अमेंडमेंट 2003, ठीक है 91st अमेंडमेंट 2003 के हिसाब से अगर आप चलोगे तो जो 15% है वो लिमिट है कि मतलब लोकसभा मेंबर के 15% हिस्ट्री, मान लो अगर लोकसभा में 400 मेंबर्स हैं तो मिनिस्टर कितने बन सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 60 मिनिस्टर्स बन सकते हैं, ठीक है, तो ये कहने का मतलब है। क्वेश्चन नंबर 113 ये देखो ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये मैंने बताया था कि सर अगर यूनियन और स्टेट के बीच डिस्प्यूट होगा और स्टेट्स के बीच डिस्प्यूट होगा तो इसको कहते हैं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, और फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए रिट्स इशू कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, इसको कहते हैं रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकती है सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 143, इसको कहते हैं एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है ना, तो ये सारी चीजें ऑलरेडी आपको किस में मिलेंगी, आपके नोट्स में,
ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, रिट ज्यूरिसडिक्शन, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, ये सब सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या लगाओगे? करेक्ट आंसर इज डी। 44 कर दिया, कोई बात नहीं। ऑल द अबव तो बढ़िया बात है, ऑल द अबव तो ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 68 अच्छा स्कोर है जीके के हिसाब से। देखो वैसे तो हर बार जो पैटर्न रहता है उसमें स्कोर हमें मैथ्स में ही करना होता है, मैक्सिमम स्कोर मैथ्स और इंग्लिश में खींचना होता है, लेकिन इस बार चूंकि मैथ्स गड़बड़ा गया है तो ओवरऑल स्कोर भी गड़बड़ा गया, क्योंकि जीके में तो सर 100% तो ना के बराबर है कोई 100% स्कोर कर पाए, बहुत ही रेयरली होता है, क्योंकि क्वेश्चन इतना वैरायटी होता है कहीं से भी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 का क्या लगा के आए आप लोग? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 114 एक बार मेरे को बताइए क्या लगा के आए। क्वेश्चन नंबर 1 मैंडेमस, बिल्कुल सही बात सर, ये तो सर हम लोगों ने पांचों रिट्स पढ़ी थी, क्वेश्चन नंबर 114 ना, ये देखो मैंडेमस में पढ़ा था ना, बी कमांड टू सिक्योर द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटीज बाय लोअर कोर्ट्स, ट्रिब्यूनल और पब्लिक अथॉरिटी, बिल्कुल सही बात, ये तो मैंडेमस और सीधा आंसर था इसका। ये देखो 2023 फीफा विमेंस वर्ल्ड कप फुटबॉल चैंपियनशिप, ये मैंने कहा था करंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर्स में भी स्पोर्ट्स से मैंने कहा था कम से कम दो क्वेश्चन आ जाते हैं, हर बार का ट्रेंड चल रहा है, दो दो क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं, लास्ट एग्जाम में पांच क्वेश्चन आ गए थे, तो अभी देखो सीधा सीधा सर स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आया फीफा विमेन वर्ल्ड कप। अच्छा विमेन स्पोर्ट्स से रिलेटेड ये एक अलग इस टाइम ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, तो फीफा विमेन वर्ल्ड कप ये क्या लगा के आए हो आप लोग? ये हम लोग ऑलरेडी करंट अफेयर्स में डिस्कस किए थे सर, अगस्त वाला करंट अफेयर्स अपना उठा के देखना, उसमें क्वेश्चन नंबर 92 है, ठीक है, करेक्ट आंसर स्पेन, ये क्वेश्चन था कि जो अभी फीफा विमेन वर्ल्ड कप 2023 हुआ है उसका विनर कौन है, स्पेन है सर, ठीक है। चलो ये भी सर बड़ी खुशी की बात है, करंट अफेयर्स तो सारे अपने कवर हो रहे हैं, स्पेन हो गया सर। अगला क्वेश्चन नंबर 116, इंडिया फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल, इंडिया में कोई भी चीज पहली बार होती है ना पूछ लेता है, जैसे इंडिया का पहला लेबर म्यूजियम केरला में बना था, पूछ लिया था, मजे की बात ये भी कहाँ बन रहा है, केरला में, ठीक है, ये भी सर कराया था आपको क्वेश्चन 116, याद करो सर 116, ठीक है ना, केरला, ठीक है। अच्छा मैक्सिमम क्वेश्चन जो आए हैं ना वो अगस्त से आए हैं, इस बार अगर आप देखोगे करंट अफेयर्स में जो मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो अगस्त से पूछे गए हैं अभी के एग्जाम में, तो ये हम लोगों ने देखा था इंडिया फर्स्ट एआई स्कूल कहां पर लॉन्च हुआ है, केरला में लॉन्च हुआ है, ये सर ऑलरेडी हम करंट अफेयर्स में पढ़े हुए थे सर, ठीक है, वही क्वेश्चन देखो उठ के आ गया। क्वेश्चन नंबर 117, इंडिया फर्स्ट परमानेंट आर्कटिक रिसर्च सेंटर, ये देखो ये चीज करंट अफेयर्स में आती रहती है, एक्चुअली ये करंट का नहीं ये स्टैटिक टॉपिक है, लेकिन हाँ एंटार्कटिक रिसर्च सेंटर के बारे में जब जब आता है हम इस पे बात कर लेते हैं, तो अगर इंडिया का पहला एंटार्कटिक रिसर्च सेंटर आप देखोगे तो दैट इज दक्षिण गंगोत्री, ठीक है, तो वो क्या है सर आपका दक्षिण गंगोत्री। नेक्स्ट आ जाओ 118, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ परमानेंट मेंबर, मैंने हमेशा कहा है जहां पर क्वेश्चन में नॉट दिख जाए वहां पर ज्यादा सावधान हो जाना है, ठीक है, जहां पर नॉट दिख जाए, पिंकी जी सही भी होना चाहिए था आपका तो केरला, क्योंकि आपने तो सबसे ज्यादा रेगुलर करंट अफेयर्स क्लासेस की हैं, आपका तो गलत वैसे भी नहीं होना चाहिए था, नॉट अ परमानेंट मेंबर। देखो ये तो सर वैसे आसानी था, और ऑलरेडी याद करो मैंने वर्ल्ड पॉलिटी का डिस्कशन कराया था, ठीक है, अभी कुछ पिछले महीने या कुछ हफ्ते पहले वर्ल्ड पॉलिटी के बारे में सर हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, उसमें हम लोगों ने यूनाइटेड नेशंस के बारे में पढ़ा था, आपको पूरी पीडीएफ भी मैंने प्रोवाइड की थी वर्ल्ड पॉलिटी से रिलेटेड, क्योंकि मैंने कहा था कि पिछले दो एग्जाम्स में सीजीएल और सीएचएसएल में दो दो क्वेश्चन वर्ल्ड पॉलिटी से आए हैं, तो इस बार भी दो क्वेश्चन वर्ल्ड पॉलिटी से आ गए, एक तो सिक्योरिटी काउंसिल में पूछ ले कौन मेंबर नहीं है, तो चाइना होता है, फ्रांस होता है, रशिया होता है, यूके होता है और यूएस होता है, ये पांच ये आपका परमानेंट मेंबर्स हैं, तो इनमें से कौन सा नहीं है सर, जापान नहीं है, नॉट अ परमानेंट मेंबर,
जापान। क्वेश्चन नंबर 119, ये भी सर देखो, ये भी देखो सर। हाँ तो सैमुअल कहाँ गए, जो कह रहे थे कुछ भी नहीं आया आपके पढ़ाई से, कहाँ है सर वो? UNSCR। ये भी देखो, वर्ल्ड पॉलिटी का पीडीएफ भेजा था, देख लो सर, भेजा हुआ है, ये सब आपको कंटेंट ऑलरेडी डिलीवर किया हुआ, उसी से उठ के आ गया। हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड। ओहो सर, ठीक है, तो करेक्ट आंसर जेनेवा। सर क्वेश्चन नंबर 120, G7 समिट कहां पर हुई थी? ये भी कराया हुआ है, G7 समिट। क्वेश्चन नंबर 120, मोदी जी गए थे सर, जापान गए थे सर, ठीक है, हिरोशिमा जापान में हुई है सर, ठीक है ना। G7 कंट्रीज याद रखने के लिए मैं ट्रिक भी बात करी थी, जूस, G7 कंट्रीज फेवरेट इज जूस, तो G7 कंट्रीज, जापान में अभी इसकी मीटिंग हुई थी, ये भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हिरोशिमा गए थे मोदी जी, ये आई थिंक ये अभी पिछले अभी मोदी जी जब हिरोशिमा गए थे तो एक गांधी जी का स्टैचू का भी इनॉग्रेशन करके आए थे, अनवील किया था स्टैचू, तो लास्ट एग्जाम में वो स्टैचू पे सवाल आ गया था, ठीक है ना। जापान कर दिया, जापान काहे में कर दिया आपने, हिरोशिमा जापान में तो है, जापान तो सही है आंसर, तो आप टेंशन में क्यों है? कट ऑफ मार्क्स की लास्ट में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 121, हु अमंग द फॉलोइंग वॉन द 2023 मेंस यूएस ओपन टेनिस सिंगल्स चैंपियनशिप? 2023 मेंस यूएस ओपन टेनिस सिंगल चैंपियनशिप, ये भी देख लो सर, करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स, मैंने क्या कहा, हर साल दो क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं स्पोर्ट्स से, ये भी स्पोर्ट्स, यूएस ओपन, मजे की बात है, ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं सर। 24th ग्रैंड स्लैम टाइटल एट यूएस ओपन, नोवाक जोकोविक, ये भी क्या हुआ है सर, कुछ नहीं छोड़ा था इस बार, सब कर पा दिया था, ठीक है, करेक्ट आंसर इज नोवाक जोकोविक, बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया। क्वेश्चन नंबर 122, द साइंटिस्ट हु डिस्कवर द बैक्टीरियम विच कॉजेज एंथ्रेक्स, इसका आंसर क्या होगा सर? इसका आंसर था रॉबर्ट कोच, ठीक है, ये जहां तक मुझे याद आ रहा है ये आपका टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन है, एंथ्रेक्स का बैक्टीरियम खोजने वाला रॉबर्ट कोच, एक बार आप टेस्ट सीरीज चेक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 123, ये थोड़ा सा अलग है, वैसे क्वेश्चन आता था अरुणाचल में कोई लोकेशन का, इस बार जो क्वेश्चन पूछा है, इस बार पूछा है आपसे एक नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट के ऊपर, सीवी रमन जिनको नोबेल प्राइज मिल चुका है उनके नाम पे इंस्टीट्यूशन है, ये कहां पर है सर? बैंगलोर में, बिल्कुल सही बात पिंकी जी, बैंगलोर है सर। क्वेश्चन नंबर 124 बहुत मजेदार था, ये आपके नोट्स का सवाल है, हालांकि इसको मैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझता था कि ये पूछे, लेकिन हाँ सर पूछ लिया इस बार, एक्सरे किसने डिस्कवर की? रोंटगन, ठीक है, 124 देख लो सर, ये आपका फिजिक्स के नोट्स का सवाल है, एक्सरे इज वर डिस्कवर्ड बाय रोंटगन, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 125, ये क्वेश्चन है सर इस बार के बिल्कुल लेटेस्ट, अभी चूंकि नवंबर चल रही है ना, तो ये नवंबर का ही करंट अफेयर्स का है, ठीक है, अभी जो ये वो आपका रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम RRTS सिस्टम डेवलप हुआ है ना, उसमें अभी दिल्ली को मेरठ से कनेक्ट किया गया है एक रीजनल रैपिड मेट्रो से, जनरल मेट्रो से ज्यादा तेज स्पीड से ये चलती है, तो उसका ट्रेन सर्विस का जो नाम है वो है रैपिड एक्स, ठीक है, ट्रेन का नाम वैसे पूछ लेते तो वो ज्यादा अच्छा क्वेश्चन बनता क्योंकि वो ज्यादा न्यूज में था, नमो ट्रेन नाम से चली है, लेकिन उसने ट्रेन सर्विस का नाम पूछ लिया तो दैट इज रैपिड एक्स। क्वेश्चन नंबर 126, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय प्रोफेसर अमर्त्य सेन, तो देखो इसमें जो तीनों किताबें हैं, वैसे द आर्गुमेंटेटिव इंडियन ये इनकी ज्यादा फेमस किताब है, लेकिन हाँ डेवलपमेंट इज फ्रीडम, आर्गुमेंटेटिव इंडिया, द आइडिया ऑफ जस्टिस, ये तीनों किताब इन्हीं की लिखी हुई है। अब ये देखो ये जनरल टाइप क्वेश्चन है, ये मतलब आपको पता है तो कर पाओगे, इस तरह की क्वेश्चन की कोई अलग से तैयारी नहीं होती है ना, ये पता है तो हो जाएगा, नहीं पता है तो रह जाएगा, क्योंकि ये किसी एक स्पेसिफिक सेट में नहीं लागू होता कि जो ये आपको बनना ही चाहिए था, तो ये क्वेश्चन नहीं भी बना तो वेल एंड गुड, कोई इशू वाली बात नहीं है, क्योंकि सारे क्वेश्चन जीके के नहीं बनाने होते।
नंबर 127, केमिकल नेम ऑफ विटामिन बी। तो देखो मैंने आपको बताया था कि केमिकल नेम पूछ लेता है, ज्यादातर विटामिन सी का पूछा है, इस बार थोड़ा सा ट्रेंड चेंज करके विटामिन बी1 पूछ लिया है। हालांकि ये भी मैंने आपको मेंशन करवा दिया था कि विटामिन बी1 थायमाइन कहते हैं, हालांकि मैंने ये भी कहा था ज्यादा इंपॉर्टेंट स्कॉर्बिक है, लेकिन हाँ इस बार सवाल किस पे बना दिया हमने, थायमाइन पे बना दिया। चलो जी तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, थायमाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज नॉट कॉज्ड बाय वायरस। तो देखो मैंने हमेशा से कहा है बायोलॉजी वाले पार्ट में, जनरल साइंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है वो डिसीज वाला होता है। तो देख लो बायोलॉजी से दो क्वेश्चन आए, एक तो वही केमिकल नेम पूछ लिया, दूसरा डिसीज पे क्वेश्चन आ गया। ये चिकन पोक्स, पोलियो, मीजल्स, ये सब वायरल डिसीज है। ये भी हमने देखो वायरल डिसीज क्वेश्चन नंबर 128, देखो हमने वायरल डिसीज, बैक्टीरियल डिसीज सब पढ़ रखा है। तो जो ट्यूबरक्लोसिस है वो सर बैक्टीरियल डिसीज है, इट इज नॉट अ वायरल डिसीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ट्यूबरक्लोसिस। ऑलराइट सर, क्वेश्चन नंबर 129 का क्या करके आए सर, क्वेश्चन नंबर 129। वन ट्वेंटी नाइन क्या करके आए, जितने लोगों का सही है वो थम्स अप करिए। इसका करेक्ट आंसर है 20 से 20,000 हर्ट्स। ये भी सर फिजिक्स के नोट्स का सवाल है, साउंड वेव्स में आपको मेंशन किया था जो ऑडिबल रेंज होती है वो क्या होती है सर, 20 हर्ट्स से लेकर 20,000 हर्ट्स, या फिर कह लो 20 किलो हर्ट्स। उसके ऊपर की साउंड अल्ट्रासाउंड, उससे नीचे की साउंड इंफ्रासाउंड, ठीक है। ये भी सर कराया हुआ है, करेक्ट आंसर इज ए, 129A। बहुत बढ़िया सर, ठीक है, ये तो सर गलत नहीं होना चाहिए था सर, ये तो डायरेक्ट आपका नोट से है। क्वेश्चन नंबर 130, हु हैज बीन द 2023 रेसिपिएंट ऑफ नॉर्मन ई बोरलॉग अवार्ड फॉर फील्ड रिसर्च एंड एप्लीकेशन। देखो ये क्वेश्चन भी कराया है, ठीक है। अवार्ड एक सेक्शन रहता है हमेशा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, एक तो नोबल प्राइज होते हैं उसमें इंक्लूड, वो तो ऑब्वियसली बात है हमेशा से इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा यूनिक अवार्ड है, नॉर्मन ई बोरलॉग, ये भी हमने कराया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 103, ये देखो सर, ये देखो सर, नॉर्मन ई बोरलॉग अवार्ड किसको मिला है, स्वाति नायक जी को मिला है, ठीक है। तो ये भी सर कराया हुआ है, तो अगर आपने अपना ही कंटेंट अच्छे से पढ़ लिया होता, मैं इसीलिए पिकी जी बोलता हूँ, देखिए कुछ पोर्शन तो भूल ही जाते हैं, ह्यूमन एरर होता ही है, लेकिन हाँ इसीलिए मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि रिवीजन ज्यादा टफ काम है, पढ़ना आसान काम है, नया नया पढ़ते हैं इंटरेस्ट लगता है मजा आता है, लेकिन उसी चीज को बार बार रिवाइज करना ना वो टफ काम है। और रिवीजन ऐसा नहीं कि टीचर की क्लास में बैठ के करना टफ है, रिवीजन खुद से करना ज्यादा टफ है, ठीक है ना। तो और रिवीजन इसीलिए जरूरी होता है क्योंकि आप भले कितना पढ़ लो अगर एग्जाम टाइम में वो क्वेश्चन आप नहीं बना पाए तो सर मेहनत बेकार हो गई ना। तो करेक्ट आंसर स्वाति नायक, ये हम लोग कर चुके हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सर, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सर, डलाउजी जब भी हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं डलाउजी लाया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, और ये हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पे एक ऑब्सेशन रहा है एग्जामिनर्स का, भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शायद ही ऐसा कोई साल होता हो जिस दिन किसी ना किसी एग्जाम में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को नहीं डालते। तो ये भी सर हम लोग पढ़ चुके, देखा था सर कि जिनके मेल सक्सेसर नहीं होते थे उनका ये प्रॉपर्टी एनेक्स कर लेता था डलहौजी, तो उसी के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया था। सतारा, जयपुर, उदयपुर, संबलपुर, झांसी, ये सब इसने थ्रू द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एनेक्स कर लिए थे, ठीक है। सतारा, झांसी, संबलपुर, उदयपुर, तो जिनके मेल हेयर नहीं होते थे उनकी ये प्रॉपर्टी को एनेक्स कर लेते थे। तो ये पॉलिसी कौन लाया था, डलाउजी लाया था। तो 131 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। अच्छा 132, 132 का क्या लगा के हैं, तो मेरे ख्याल से हाँ इस बार आप लोग इस चीज को रियलाइज कर पा रहे होंगे कि रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट होता है,
मैंने हमेशा से कहा है, देखो भैया घूम फिर की चीजें वहीं से आएंगी जो आप पढ़ते हो, है ना। ऐसा नहीं है कि बनाने वाला एग्जामिनर दूसरे प्लेनेट पे रहता है, वो भी सर यहीं रहते हैं, हमारे बीच में ही रहते हैं, तो वो उन्हीं में से क्वेश्चन बनाते हैं। इसीलिए जो भी पढ़ो मेक श्योर उसका रिविजन अच्छे से रहे। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इसमें क्या लगा क्या है सर? ये सर ये कहते हैं दादा भाई नेहरू जी। जैसे 1915 में आप देखोगे गांधी जी का एरा स्टार्ट हो जाता है, तो गांधी जी से पहले उतना रेस्पेक्टेड अगर कोई पर्सन थे इंडिया में तो दैट वाज दादा भाई नेहरू जी। ठीक है, इनके बारे में हम लोगों ने काफी पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 133, दिल्ली दरबार सर। दिल्ली दरबार भी याद होगा, हमने ये बताया था कि 1911 में ऑर्गेनाइज हुआ था दिल्ली दरबार। 1911 में दिल्ली दरबार हुआ था, जो किंग जॉर्ज फाइव थे उनके कोरोनेशन को मार्क करने के लिए इंडिया में उन्हें बुलाया गया था। उसी टाइम आप देखोगे जो गेटवे ऑफ इंडिया है मुंबई में, उसकी रचना भी, आर्किटेक्ट उसका भी काम तभी शुरू हुआ था। और लेकिन इसमें मेन पॉइंट ये था कि इट वॉज हेल्ड इन 1911। ठीक है, मेन पॉइंट ये था, अगर आपको ये पता था कि इट वॉज हेल्ड इन 1911, जनरली हम लोग ये देखते हैं दिल्ली दरबार, और उसमें पार्टीशन ऑफ बंगाल अनाउंस जो किया गया था 1905 में, जो बंगाल को पार्टीशन किया गया था, उस पार्टीशन को रद्द कर दिया गया था, एन्योल कर दिया गया था, ठीक है, वॉइड कर दिया गया था। तो ये 1911 का काम है, तो अगर ये 1911 का काम है तो स्टेटमेंट टू तो गलत हो गया, और स्टेटमेंट टू गलत तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, और ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर तीनों में से सिर्फ आपको इतना भी पता है कि 1911 में हुआ था दिल्ली दरबार, तो ए बी डी तो वैसे कट गए, तो बचा गया था करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, 1 इन 3 की है ना, 1 इन 3 ही सही है। देखो मैंने कई बार आप लोगों को ये एलिमिनेशन की टेक्निक समझाने की कोशिश की है कि एलिमिनेशन की टेक्निक से कोशिश करेंगे क्वेश्चंस में तो बनेगा, हालांकि इस तरह के सवाल देने का तो बनता नहीं है सर, ये तो बहुत लेंथी सवाल हो जाते हैं ना, इस तरह से तीन तीन स्टेटमेंट एक क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन को लेंथी कर देते हैं, तो पेपर जीके का टफ से ज्यादा मैं कहूंगा लेंथी था, लंबा पेपर था, टाइम टेकिंग पेपर था। क्वेश्चन नंबर 134, द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ये देखो हमने पढ़ा है, ये प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट और राज्यसभा में लागू होता है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट में लागू होता है, राज्यसभा मेंबर्स में, तो ए बी, तो करेक्ट आंसर इज डी, राज्यसभा। अगर आपको पिंकी जी राज्यसभा मेंबर्स याद था तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्यों नहीं याद था? दोनों के लिए होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, बोथ ए एंड बी। सर एक पूरा इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का वीडियो हमने बनवाया है ना, वो नॉर्थ ईस्ट पीसी के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा कि किस तरह से प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, तो वहां पर ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं। वाइस प्रेसिडेंट, ये तो सर पूरा पूरा डायरेक्ट नोट्स में लिखाया है सर, ये तो सिर्फ पढ़ाया नहीं है। 134 तो चलो पढ़ाया है, 135 तो लिखाया भी है सर, कि आर्टिकल 32 वाइस प्रेसिडेंट की बात करता है, एक्स ऑफिशियो इलेक्टेड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है ना, ये सारी चीजें तो सर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, तो इलेक्टेड बाय बोथ द हाउसेस, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन और प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, उसमें मैंने दोनों में बताया कि इनका टर्म कितना होता है, 5 ईयर्स। हाँ, तो 135 का कितने लोगों ने डी लगाया आंसर, 135 का कितने लोगों ने डी लगाया, ऑल ऑफ द अबव, कितने लोग करके हैं 135 में? हाँ जी, बहुत बढ़िया, ये हैं अपने जाबाज योद्धा लोग। तो अगली बार उम्मीद है आप लोगों की भी फोटो छपेगी हमारे वॉरियर लिस्ट में। क्वेश्चन नंबर 136, हु अमंग द फॉलोइंग विमेन बिकेम द फर्स्ट मैरिड विमेन फ्रॉम अरुणाचल टू विन मिसेज इंडिया 2017, मिसेज इंडिया 2017 एंड मिसेज प्लैनेट वर्ल्ड फाइनलिस्ट। खैर इसको तो कौन ही याद रखता है, मिसेस इंडिया तो याद रखने का बनता भी है, तो मिसेस प्लैनेट वर्ल्ड फाइनलिस्ट ये लेकिन वर्ल्ड लेवल पे होता है ना, तो उसकी वो फाइनलिस्ट थी, तो ये भी बड़ी बात है। मिसेस इंडिया 2017 फर्स्ट मैरिड विमेन फ्रॉम अरुणाचल, ठीक है ना, इट वाज करेक्ट आंसर इज डू यू मीना मोदांग। ठीक है, डू यू मीना मोदांग।
क्वेश्चन नंबर 137, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ये ऐसा सवाल, सवाल तो सर ये है, ठीक है, बिल्कुल लास्ट के दिनों में हमने इसको पढ़ा था, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन अच्छी बात मुझे ये लगी कि जब ये मैंने डिस्कस कराया था तो मेजोरिटी लोग इसको गलत किए थे, तो अच्छी बात ये कि आप लोगों ने एग्जाम से पहले इसको कर लिया, तब आपका ये क्वेश्चन सही हो गया, है ना। मैंने पूरी लिस्ट दे दी थी, वरना कई लोग के राजा ठुके पड़े थे आंसर, है ना। तो लास्ट जो थे वो थे आपका शिवा स्वरूप। हाँ, ये बड़ी खुशी हुई इसे देख के, मुझे कुछ ही दिन पहले पढ़ा था, तो करेक्ट आंसर है शिवा स्वरूप। अच्छा, अरुणाचल में फर्स्ट पार्लियामेंट इलेक्शंस आपको कब देखने को मिलेंगे सर? 1975 में, 72 में यूटी बन गया ना, 75 में लेजिस्लेटिव असेंबली आ गया, तो 77 में सर आपका फर्स्ट इलेक्शंस आपको पार्लियामेंट, पार्लियामेंट बोले तो लोकसभा वाले इलेक्शंस ना, तो वो जो 6th लोकसभा बनी थी 1977 में, तब आपके अरुणाचल में पहली बार बने थे सभा, ठीक है ना। कामपो जी, मेरा तो काम है देखो कराना, ये आपकी बदौलत हुआ, आपने याद रख पाया और आपने क्लास अटेंड किया ना, तो अपने आप को शाबाशी दीजिए कि यस मैंने वो क्लास अटेंड की थी। चलो, अरुणाचल में कॉक इज अ टाइप ऑफ, ये एक्चुअली सर मैं फोटो नहीं लगा पाया, भूल गया, अगर मैं फोटो लगा दूंगा तो आप समझ जाओगे। मैकॉक एक तरीके का बंदर होता है ना, मैकॉक इज अ टाइप ऑफ मंकी, तो 139 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140, जसवंतगढ़, जसवंत जो थे एक, मतलब एक हमारे बहादुर फौजी थे जिन्होंने शहादत हासिल की थी 1962 के इंडो चाइना वॉर में, तो उसमें सर इनके बारे में हम एक्चुअली पहले पढ़ चुके हैं, अभी हाल फिलहाल में नहीं पढ़ा था, लेकिन हाँ एक बार क्वेश्चन आया था तब इनके बारे में हमने डिस्कस किया था करेंट अफेयर्स में, तो उनके नाम पे एक मेमोरियल बना है जसवंतगढ़ मेमोरियल। तो उन्होंने जो जंग लड़ी थी वो कल लड़ी थी 1962, ठीक है ना, 1962 में जो उन्होंने जंग लड़ी थी, तो उनके नाम पे जसवंतगढ़ मेमोरियल बनाया गया है। अभी याद करो हम लोगों ने इस बार रेजान ला वॉर मेमोरियल पढ़ा था, उसी तरह से ये भी एक मेमोरियल है। 141 दुर्गावती टाइगर रिजर्व, अब कोई टेंशन ले रहा होगा कि सर हमने टाइगर रिजर्व नहीं पढ़े थे, भैया ये टाइगर रिजर्व इसके लिए पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी, ये करंट अफेयर्स का सवाल है। अभी नया टाइगर रिजर्व इंडक्ट हुआ है, ये हमने आपको करंट अफेयर्स में करवाया भी था, इफ यू कुड रिमेम्बर, ठीक है, ठीक है। 6 टाइगर रिजर्व थे, 7वां टाइगर रिजर्व अभी ऐड हुआ है, वीरंगाना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ये भी सर हम आपका करंट अफेयर्स में करवा चुके थे। मैंने इसीलिए कहा कि जो भी आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, आपके एग्जाम क्या कहते हैं, आपके करंट अफेयर्स में अगर ये सब आते हैं तो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहते हैं, ठीक है ना। बहुत बढ़िया वांगदू जी, आप वांगदू जी लग रहा है कुछ एनवायरनमेंट से जुड़े हैं कुछ, आप आपने और भी कोई सेमिनार बताया था एनवायरनमेंट से रिलेटेड, वो भी आपने अटेंड किया, कुछ तो हैं आप। चलो, क्वेश्चन नंबर 142 पे आते हैं, द स्कोर्स इज द कंप्लेंट्स रिड्रेसिंग सिस्टम ऑफ, ये सर सीबी का है, सीबी का है। क्वेश्चन नंबर 143, नोबल पीस प्राइज 2023, ये देखो नोबल प्राइज पे क्वेश्चन आ गया 143, ये हम लोगों ने सारे नोबल प्राइज डिस्कस किए थे, अलग से वीडियो भी बनवा के दिया था, पीडीएफ भी दिया था, नोबल प्राइज का क्वेश्चन आ गया। मैंने कहा था, कहा क्या था, सबको पता है नोबल प्राइज इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछ लिया सर पीस प्राइज, नरगिस मोहम्मदी, तो ये चीजें तो हमेशा पढ़नी चाहिए, नोबल प्राइज वगैरह, ये तो फ्री के नंबर दिलाती है। G20 समिट 2024, ये सर डायरेक्ट क्वेश्चन कराया था मैंने आपको करंट अफेयर 144, इफ यू कुड रिमेम्बर, डायरेक्ट यही क्वेश्चन कराया था, ठीक है, कि इस साल की G20 प्रेसिडेंसी इंडिया के पास रही एंड विल नाउ हैंड इट ओवर टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, किसको दिए प्रेसिडेंसी, करेक्ट आंसर इज ब्राजील, ठीक है ना। करेक्ट आंसर क्या है, ब्राजील एक्चुअली। हाँ, मुझे याद तो आ रहा है कि इस कोर्स पे हमने क्वेश्चन करा है, लेकिन मुझे अभी अभी जल्दबाजी में मिला नहीं था, इसको अभी प्रूफ में डाल दूंगा, ये क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है हमने करा हुआ है, लेकिन पता नहीं मिला नहीं था, अभी मैंने करेंट अफेयर्स में ढूंढा था तो जल्दबाजी में, क्योंकि अभी कम टाइम में सारा ये अरेंज करा है ना मैंने, तो उसको मैं इत्मीनान से अटैच कर दूंगा, पूरा एक लिस्ट दे दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन आपके डायरेक्ट नोट से फंसे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 145 बताओ सर, क्योंकि ये क्वेश्चन सर ना स्टैटिक का है ना आप करंट का रहा,
क्वेश्चन नंबर 145 बताइए, इसका क्या लगा के आप लोग? सीरम इंस्टीट्यूट, सीरम कैसे लगा दिया? वो तो चलो कंफ्यूजन हो गया, वो मानता हूँ प्रेशर में कंफ्यूजन हो गया, वो कोई बात नहीं। कोविशील्ड है पिंकी जी, कोविशील्ड है ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट के। ओके, तो भारत बायोटेक ने बनाई थी COVID-19 कोवैक्सीन, ठीक है। कोवैक्सीन किसने बनाई थी? भारत बायोटेक। ये तो सर बच्चे बच्चे के जमान पर अटकी थी। एंड सर क्वेश्चन नंबर 146 थर्ड क्वेश्चन है सर, तीसरा क्वेश्चन स्पोर्ट्स से रिलेटेड। 2023 एशियन गेम्स में कितने गोल्ड मेडल जीते? ये देखो मैंने कहा था कि गोल्ड मेडल याद रख लेना, सिल्वर ब्रॉन्ज रखने की जरूरत नहीं है, पूछेगा तो गोल्ड पूछेगा, उसने गोल्ड पूछा ठीक है। 2023 एशियन गेम्स में कितने गोल्ड जीते हैं ये भी सर कराया। ये देखो सर 28 गोल्ड मेडल, 28 गोल्ड मेडल्स जीते हैं सर एशियन गेम्स में। कितने गोल्ड मेडल्स जीते हैं? 28 गोल्ड मेडल्स जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 147 बर्थ प्लेस ऑफ ओलंपिक गेम्स, ठीक है। इसको मैंने डिस्कस किया था एक बार बहुत पहले, वो अब मैं 6 month करेंट अफेयर्स कैटेगरी में तो वो नहीं था, लेकिन हाँ इससे पहले हमने ओलंपिक्स गेम्स के बारे में डिस्कस किया है करेंट अफेयर्स में। तो हमने बताया कि ये सर आपका ग्रीस से लिया गया है ठीक है, ये ओरिजिन जो इसका है ओलंपिक गेम्स का ये ग्रीस है। क्वेश्चन नंबर 148 बताइए सर, क्वेश्चन नंबर 148, 42nd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट किसको डिक्लेयर किया गया? ये भी सर हमने क्लास में डिस्कस किया है। लुइस जी कोई दिक्कत नहीं, गधा कोई नहीं होता, बस ये होता है कि आपने उसको कितना सिंसियरली लिया ना। अब लेकिन अगर आप अभी से अपनी गलतियां आप लोग मान के अगर उसको आगे चीजों में कंटिन्यू करते हैं पढ़ाई फिर से रेगुलर रिवीजन, तो डेफिनेटली आप फायदा उठाएंगे। हाँ जी सर, 42nd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट किसको डिक्लेयर किया गया? ये तो सर ये भी पढ़ा था अभी हम लोगों ने, 148 देखो ये सर ठीक है, 42nd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, होयसाला टेम्पल्स ऑफ बेलूर हलेबे एंड सोमनाथपुर इन कर्नाटका। ये भी सर हमने अभी डिस्कस किया था सितंबर में, आई थिंक ये डिस्कस किया था, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है ना। तो होयसाला टेम्पल्स ऑफ बेलूर हेलबीलू एंड सोमनाथपुर। अभी ये पेपर खत्म कर ले, कट ऑफ की बात करते हैं। द बुक ए पैसेज ऑफ इंडिया, एक्चुअली ये आ पैसेज टू इंडिया ठीक है, अ पैसेज ऑफ इंडिया नहीं, बुक का नाम है अ पैसेज टू इंडिया। हो सकता है एपीएसएसबी गलती पे या तो इसमें बोनस दे सकता है मे बी, क्योंकि अ पैसेज ऑफ इंडिया नाम की तो मुझे कोई बुक नहीं मिली, अ पैसेज टू इंडिया नाम की बुक मिली है वो है ई एम फॉस्टर्स ने लिखी है ठीक है ना। और लास्ट का क्वेश्चन नंबर 150 नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट इसका क्या लगाते हैं? देखो हम लोग आर्ट एंड कल्चर डिस्कस करते रहते हैं, आर्ट एंड कल्चर डिस्कस करते रहते हैं, उसमें नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट का जिक्र आता रहता है, तो इसका आंसर क्या लगा क्या है सर हम लोग? 149। हाँ नया सवाल था, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट इज लोकेटेड एट, ये सर न्यू दिल्ली ठीक है, इसका करेक्ट आंसर इज न्यू दिल्ली। चलिए सर, तो ये सर आपका 150 क्वेश्चंस थे। अगर ओवरऑल हम बात करें ये 150 क्वेश्चंस में, तो मैंने आपको बता दिया 10 क्वेश्चन डायरेक्ट आपका अरुणाचल जीके से, 13 क्वेश्चंस आपका करंट अफेयर से उठ के आ गए थे है ना। और बायोलॉजी में भी देखोगे दो सवाल थे, दो सवाल ज्योग्राफी के, दो सवाल पॉलिटी के, बाकी के जो स्टैटिक क्वेश्चन है दो दो क्वेश्चन उसमें से देखने को मिले। अब लेकिन पैटर्न चेंज हो रहा है, चूंकि अब जो एग्जाम होगा उसमें आपका 25 25 25 25, यानी अभी तक जो जीके में 50 क्वेश्चंस आया करते थे एपीएसएसबी के, अब वो कितने रह जाएंगे? 25 नए पैटर्न के हिसाब से। तो अभी नेक्स्ट पैटर्न देखना पड़ेगा कैसे क्या क्वेश्चन आते हैं, बट हाँ प्रोपोर्शन लगभग उतना ही रहेगा कि 20% अरुणाचल जीके आ रहा है तो 20% इधर पूछ लेगा, प्लस उसके अलावा मान के चलो 20% ही करेंट अफेयर्स आ रहा है, तो मान के चलो 5 सवाल अरुणाचल जी के, 5 सवाल करेंट अफेयर्स, तो वो आएंगे ही आएंगे अगर ये पैटर्न कंटिन्यू रहता है। पेपर अगर मैं देखूं तो बहुत ज्यादा टफ नहीं था, लेकिन हाँ लेंदी था पेपर की, मतलब एक एक क्वेश्चन में तीन तीन ऑप्शन दिए गए, तो पेपर थोड़ा सा लेंदी था। और जो एग्जाम आप दे रहे हैं जैसे एमटीएस कॉन्स्टेबल, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा टफ था, उसके हिसाब से उतना मतलब
टफ नहीं रखना चाहिए था, थोड़ा सा आसान रखा जा सकता था, सिंपल रखा जाता था। पेपर को थोड़ा सा ट्रिकी करने की, पेपर को थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की गई है इस पेपर में। अब देखो पिछली बार जो पेपर आए थे, जैसे सीजीएल का बहुत आसान आया था और सीएचएसएल में भी वैकेंसीज अच्छी खासी थी, तो उसके हिसाब से कट ऑफ काफी बढ़ गया था। लेकिन इस बार अभी जितने मार्क्स आ रहे हैं उसके हिसाब से मुझे लगता है करीब करीब 230 के आसपास कट ऑफ में भी रहेगा। ठीक है, 230 के आसपास एक्सपेक्टेड है, लेकिन मैं गारंटी नहीं ले रहा हूँ कि इतना ही जाएगा, कोई भी गारंटी नहीं ले सकता। ठीक है, अभी बाकी मैंने ज्यादा थोड़ा बहुत डेटा देखा है, ये हमारा पिछला अनुमान के हिसाब से, जितना हमारा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। बाकी अभी हमने सारे स्टूडेंट से उनके मार्क्स पूछे हैं, उसके लिए फॉर्म भरवाया है, तो अभी उस सारे मार्क्स को मैं देखूंगा, उसको एनालाइज करूंगा, उसके अकॉर्डिंगली हम फिर आपको, और अगर कुछ इसमें चेंज होगा तो वो इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है ना। अब देखो अगली चीज ये है कि सर जो हो गया सो हो गया, वर्ल्ड कप हारने का गम अगर आप भूल सकते हो तो इसको भी कुछ दिन में भूल जाओगे, तो गम वाली बात नहीं है। बात ये है कि आपको अब आगे क्या करना है। लाइफ में कभी भी चोटिल होते हैं, लाइफ में कभी भी दुखी होते हैं, तो कभी ये मत देखो क्या हो गया, अब ये देखो आगे क्या बेहतर कर सकते हो। पहले की गलतियों से सीखना है और आगे बढ़ना है। लाइफ अभी बहुत बड़ी है, ठीक है, माना चंद जिंदगी के मुसाफिर हैं, लेकिन इतनी भी छोटी जिंदगी नहीं कि पता चला 5 मिनट में। तो अभी अच्छी खासी हमारी लाइफ है, अभी बहुत कुछ हम अर्न कर सकते हैं, बहुत कुछ अपॉर्चुनिटीज है हमारे पास। अभी अगर आप मोटिवेटेड हैं, आप मतलब अपना टाइम प्रिपरेशन में डिवोट कर सकते हैं, तो अभी ये इन गलतियों से सीखिए या एनालाइज करने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से और बेटर अगले एग्जाम में कर सकते हैं। अब कई लोगों का सर पेपर ही टफ आया तो हम क्या करें, कुछ नहीं कर सकते सर आप। लेकिन हाँ ये बात हमेशा रहती कि अगर पेपर टफ आया तो सिर्फ आपके लिए नहीं आया, सबके लिए आया, तो उसका इम्पैक्ट कट ऑफ पे दिखेगा। आपको अपना बेस्ट से बेस्ट करना है, जो कंटेंट आप पढ़ रहे हो वही कंटेंट बाकी स्टूडेंट्स भी पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम दूसरे प्लेनेट मार्स पे से जाके कंटेंट ले आते हैं या हम किस कहीं और से आपको पढ़ा देते हैं। जो कंटेंट हम डिलीवर कर रहे हैं लगभग वही कंटेंट आपको वही आप सब जगह पढ़ते हो, लेकिन डिफरेंस कहाँ आता है, हमारा जो स्पेशल है वो है हमारा सर्विसेज। ठीक है, जिस तरह से हम मैनेज करके चीजों को देते हैं वो हमारा यूएसपी है। दूसरा फिर सर आता है कि जो मैटर करता सबसे ज्यादा आपके सिलेक्शन में वो है सर आपका रिवीजन। ठीक है ना, वो है आपका रिवीजन। हमारी ही क्लास में कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो सिलेक्ट होते हैं, कुछ होते हैं जो कट ऑफ भी नहीं निकाल पाते हैं, तो डिफरेंस कहाँ पर आप आ रहा है सर, रिवीजन पे। पढ़ के तो सर सब सेम जा रहे हैं, सब क्लास कई जो स्टूडेंट्स रेगुलर, कुछ तो क्लास ही नहीं आ रहे हैं ना, वो बस कोर्स खरीद के वो निकल जाते हैं हिमालय पे। कुछ हैं जो रेगुलर आते हैं क्लास, लेकिन दिक्कत क्या है, वो रिवीजन मेंटेन नहीं करते। तो मैं बार बार उनसे कहता हूँ रिवीजन अच्छे से मेंटेन करिए, क्योंकि रिवीजन ही एक ऐसी मात्र आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपकी नैया बार लगाएगी। आप कितना ही पढ़ लो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर एग्जाम में वो क्वेश्चन आपसे नहीं बन पा रहा। इसीलिए मैंने हमेशा से कहा कम पढ़ो, लेकिन इंश्योर करो जितना भी पढ़ा उससे सवाल आया तो आप कर पाओगे। ठीक है ना। रिवीजन के लिए स्ट्रेटेजीज भी मैं हर बार जब नया कोर्स स्टार्ट करता हूँ डिस्कस करता हूँ। अब आने वाले टाइम में फिर हम स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो अभी हमारे पास फिर से नए कोर्सेस स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, स्टेनोग्राफर के लिए रीजनिंग हो गया, स्टेनोग्राफर का जीके हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, उसके लिए प्रॉपर फिर से कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं। तो अभी आप लोग चाहो तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन हाँ अभी सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज आपको सीखनी है वो है रिवीजन। सबसे टफ चीज यही होती है, नया टॉपिक सब पढ़ लेते हैं लेकिन उसको खुद से जब रिवाइज करना होता है ना, यही सर हालत खराब होती है। ठीक है, पिंकी जी से तो सबको उम्मीद है हम लोगों को कि वो अच्छा करके आएंगे सर। ठीक है, जोसेफ जी हो सकता है, मैं ऐसा गारंटी नहीं ले रहा हूं कि 230 मैंने मेरे जवान से निकल गई तो पलट नहीं सकता है ना, तो हो सकता है अगर 200+ है बी होपफुल। मैं तो ये कहूंगा अगर 200+ है आपका स्कोर बी होपफुल, एक दो हफ्ते में आपका रिजल्ट आ भी जाता है ना, तो ऐसा नहीं कि अगली साल रिजल्ट आएगा, एक साल कैसे काटेंगे, एक हफ्ते के अंदर, एक डेढ़ हफ्ते के अंदर आपका रिजल्ट आ भी जाता है, तो उतना आपको बहुत ज्यादा वेट करना भी नहीं, तो बहुत ज्यादा इम्पेशेंट मत होइए वो उसको कट ऑफ को लेके। एक डेढ़ हफ्ते में सब क्लियर हो जाएगा, कट ऑफ क्लियर है या नहीं क्लियर है। ठीक है ना। तो लाइफ में मैंने पहले भी कहा है कि फोकस करिए कि और
कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इस पे फोकस मत करिए कि क्या कहते हैं जो हो गया इतना बुरा हो गया, लगा रहता है सर, अच्छा बुरा लगा रहता है, आगे कैसे बढ़ना है उस पे बात करना है। ठीक है सर, तो चलो आज फिर यहीं समाप्त करते हैं, टाइम भी हो गया है, तो अब एग्जाम तो खत्म हो गया, अब सर जो स्टूडेंट्स हमारे पास पहले से एनरोल्ड थे उनका तो सिलेबस कंटिन्यू रहेगा, उसके अलावा जो नए बैचेस बनेंगे, नए स्टूडेंट्स भी आएंगे, उनसे भी मुखातिब होंगे सर। ठीक है, चलिए सर फिर आगे मिलते हैं, तो लेक्चर अगर कुछ अच्छा लगा हो, कुछ सीखा हो, कुछ फायदा हुआ हो तो लाइक कर देंगे, अपने कलीग्स के साथ शेयर कर देंगे, फिर इसके आगे की जानकारी जो है वो फिर हमारी, तो सर मैं तो अपना रेगुलर क्लास लेता ही रहता हूँ, मेरा करंट अफेयर्स या कुछ ना कुछ अरुणाचल जी के वगैरह तो अपना 8 PM पे चलता ही रहता है। ठीक है, वो हो सकता है अभी एक आध हफ्ते कुछ बंद रहे, बट वो आगे कंटिन्यू रहेगा, है ना, वो तो अपना चलता ही रहेगा। ठीक है सर, चलिए फिर मिलते हैं, फिर कब मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।